Assalamu alaikum and good afternoon friends. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you are watching Eye of a Rider. So friends, आपने last vlog में देखा कि मैं और वसीम यहाँ पीर गली आए हुए थे और यहाँ हमने काफ़ी देर स्टे किया और चाय वगैरह पी और बहुत enjoy किया. तो व्यूअर्स, यहाँ से अब हमारा आगे का प्रोग्राम है कि हम इसी जगह आगे कंटिन्यू करेंगे चिरोही से कोटली शहर, और जहाँ तक जा सके वहाँ जाएंगे और आपको जो जो रास्ते में अच्छे व्यूज़ आते हैं और जो जगह आती हैं वो सब दिखाएंगे. तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी. सो व्यूअर्स, पीर गली से हम निकल रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन है कोटली, और रास्ते में चिड़ोही का टाउन आएगा. इसके अलावा काला डब, बल्कि पहले आएगा, काफ़ी मशहूर जगह है काला डब, वो बहुत खूबसूरत जगह है. तो काला डब के बाद चिड़ोही आएगा और उसके बाद जूना और फिर कोटली. तो व्यूअर्स, देखते हैं, ऑलमोस्ट 2 hours का ये रास्ता है, लेकिन देखते हैं अब किस तरह की सड़क मिलती है और कितना टाइम हमें लगता है. तो व्यूअर्स, रूट मैप मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये रास्ता जो है वो कहाँ से जाता है. व्यूअर्स, आई हैव इनसर्कल्ड द मेन टाउन. काला डब आएगा, उसके बाद चिड़ोही आएगा इस रास्ते में, और फिर जूना, और उसके बाद फिर कोटली शहर आ जाएगा. तो ये शॉर्टेस्ट रूट है. व्यूअर्स, वैसे तो मेन जो रोड है कोटली के लिए, वो अगर हम पीर गली से नीचे उतर जाते हैं इस्लामगढ़ की तरफ, तो फिर वो रास्ता गोलपुर और कोटली के लिए जाता. तो लेकिन ये कि आप थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता और थोड़ा सा खूबसूरत इलाके आपको दिखाने थे, तो ये हमने रूट सेलेक्ट किया, जो कि इट्स नॉट अ मेन रोड, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत जगह है. वेल व्यूज, कोटली शहर की ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बता दूं. ये रॉयल मंगरार फैमिली के राजा मंगरपाल ने इसको 15th century में बनाया, और 1819 तक ये इंडिपेंडेंट रहा. उसके बाद राजा रंजीत सिंह ने इसको जो है वो कॉन्कर कर लिया, और उसके बाद जब तक के जो है इंडिपेंडेंस नहीं हुई 1947 तक, ये उन्हीं के अंडर रहा. तो यहाँ पे कबायलियों ने फाइट की और फिर इसको 1947 में जो है इस इलाके को उन्होंने आज़ाद भी करवा लिया. व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि रास्ते में एक बहुत खूबसूरत जगह भी आती है, जो कि काला डब है. तो ये खूबसूरत पहाड़ और ये जो टेक्सचर है, ये काला डब है. हम इसके बिल्कुल करीब पहुँच गए, और इस पूरे रूट पे जो सबसे खूबसूरत जगह है वो काला डब ही है, और काफ़ी मशहूर है ये कश्मीर में अपनी खूबसूरती पे, बट इट्स स्टिल नॉट अ टूरिस्टिक प्लेस. तो इस तरह के इलाकों को दिखाने का मकसद यही है कि ये टूरिस्टिक प्लेसेस बन जाएं और लोग यहाँ पे आएं. वेल व्यूअर्स, चिड़ोही का टाउन आ गया है, एंड इट्स अ क्वाइट अ बिग टाउन, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये भी. लेकिन अब काफ़ी डाउन द स्लोप हम आ गए हैं. काला डब पे जब थे तो काफ़ी हाइट पे थे, अब ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल के करीब आ गए. और इनफैक्ट कोटली शहर भी इतनी हाइट पे नहीं है, तो अब मज़ीद ये है कि हम हाइट की तरफ शायद ना जाएँ. ये देखें कितनी खूबसूरत सी फील्ड्स हैं यहाँ पे, ग्रासी ग्राउंड्स हैं, और दूर दूर घर बने हुए हैं और बहुत प्यारे बने हुए हैं, और बहुत खूबसूरत सा सराउंडिंग्स हैं इस शहर के.
वेल वीरस, चिड़ोही क्रॉस करने के बाद हमें एक बहुत खूबसूरत सी वाटर स्ट्रीम नज़र आई और वी कुडंट हेल्प बट टू स्टॉप हियर। और वैसे भी बहुत थके हुए थे, हमने किसी होटल पर रुकना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना वाटर स्पॉट पर रुकें और थोड़ी देर पानी में बैठें तो सारी थकन दूर हो जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत सा वाटर स्पॉट है, देखते हैं कि कहाँ रास्ता किधर से जाता है इसका, तो पानी के अंदर जाते हैं। सो वीयर्स, चिड़ोही को हमने क्रॉस कर लिया था, कोटली की तरफ जा रहे थे इस रास्ते से। रास्ते में एक बहुत प्यारी सी वाटर स्ट्रीम नज़र आ गई है और वी कुडंट डू एनीथिंग बट टू स्टॉप हियर। बड़ी टेम्पटिंग सी है, तो हमने कहा कि इधर ज़रूर रुकेंगे और अंदर पानी में जाते हैं। तो वीयर्स, अब रास्ता ढूंढते हैं और पानी की तरफ जाते हैं। वीयर्स, इट्स अ वंडरफुल वाटर स्ट्रीम और बहुत थकन हो गई थी हमें और गर्मी भी लग रही थी इस जगह पे, लेकिन ये वाटर स्ट्रीम के पास काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी देर पानी में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर आगे कोटली के लिए कंटिन्यू करते हैं। यस, बहुत मज़े की जगह है और बहुत ठंडा पानी है और बेइंतहा स्लिपरी भी है, यहाँ पे पैर नहीं रखने हो रहा पानी में। और अगर यहाँ पे मैं खड़े होकर चलने की कोशिश करूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे वॉक कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो बस यहाँ साइड पे बैठे और पानी के किनारे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे और उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है और सारी थकान दूर हो गई है हमारी, जो हम रास्ते में आ रहे थे और सोच रहे थे कि किसी होटल पर रुकें, तो देयर इज़ नो नीड टू स्टॉप एट द होटल बिकॉज इट्स अ सच अ वंडरफुल प्लेस एग्जिस्ट हियर। वसीम भी आ गए, वसीम आ गए, इधर रखो थोड़ी देर, ये ठंडी हो। वेल, ठंडे ठंडे पानी में एंजॉय करने के बाद अब दोबारा हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन आज की कोटली की तरफ। तो थोड़ा सा डी रूट हुए थे हम, अब दोबारा मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। और अब जब से हमने चिड़ोही क्रॉस किया है, मेन रोड की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, कई जगहों से सड़क ही गायब है और मिट्टी थी और इसी वजह से ज़्यादा थकन हो गई। जब तक रास्ता जो है वो साफ़ सुथरा खूबसूरत होता है तो थकन का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब रास्ता ख़राब होता है और जैक्स होते हैं तो थोड़ी सी ड्राइव में भी बंदा जो है वो ज़्यादा थक जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ हुआ, इसलिए यहाँ पर रुक के एक दफ़ा दोबारा हम रिफ़्रेश हो गए। Here comes a diversion. Right पे जो रास्ता जा रहा है, आई थिंक वो निक्याल वाली साइड पर जा रहा है, तो हमने लेफ़्ट पे होना है ताकि हम कोटली की तरफ कंटिन्यू कर सकें। बलबीर्स, अब उस तरह की मौसम में जो खुनकी थी वो नहीं रही है, हम काफ़ी नीचे आ गए और आई डोंट थिंक सो कि कोटली में भी कोई ख़ास सर्दी होगी, कोटली भी इसी एल्टीट्यूड पे है, तो देखते हैं कितना रास्ता रहेगा। वेल वीयर्स, कोटली के बिल्कुल मुजफ़ात में आ गए हैं और कोटली काफ़ी बड़ा शहर है, इसलिए काफ़ी पहले से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट टाउन और विलेजेस। तो अभी हम ऐसा लगता था कि शहर में इंटर हो गए और अब फिर थोड़ा सा रिमोट एरिया आ गया, उसको क्रॉस करते हैं। सिटी अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, काफ़ी साफ सुथरे से घर और बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और मतलब टोटली हिली एरिया है, कहीं बहुत ऊंची इलाके हैं और कहीं नीचे दरिया के साथ हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। वेल व्यूअर्स, ये बोर्ड भी आ गया है, तो जो एक्चुअल जिसको हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं वो यहाँ से 4 किलोमीटर है। वैसे तो ये सिटी की हदूद शुरू हो गई हैं, तो हम जो मेन सिटी है जिसके बाज़ार काफ़ी मशहूर हैं वहाँ पर तकरीबन 4 किलोमीटर है। और ये एक डाइवर्जेंस ही आ गई है, हमने यहाँ से सीधे ही रहना है और आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, उस तरह की बेशुमार खूबसूरत मस्जिदें कोटली में हैं और इसीलिए कोटली को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत मस्जिदें हैं कोटली में और बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और कोटली पूरे पाकिस्तान में अपनी मस्जिदों की वजह से ही पहचाना जाता है। तो शहर में इंटर होते हैं और देखते जाते हैं और क्या क्या खूबसूरत जगहें और
मॉस्क आएंगी। तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। हमें ये कोटली का बाज़ार है और बाइक्स यहाँ पे हमने पार्क कर दिए हैं। वसीम रेडी हो रहे हैं। न्यू कश्मीर रेस्टोरेंट, यहाँ से हम खाएंगे यहाँ की ख़ास डिश जिसको कहते हैं लोबिया और चावल, सुरख लोबिया होती है और ये मकामी ज़माने में इसको पोठी चावल कहते हैं ना। तो अभी चलते हैं न्यू कश्मीर रेस्टोरेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ बैठ जाएं। सो ऑब्वियस ये है यहाँ की स्पेशल डिश कोठी चावल, इसको मकामी ज़बान में कहते हैं। और ये सिर्फ लोबिया की दाल है और वाइट राइस है और सैलेड है। व्यूअर्स खाना खाते हैं और उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू। व्यूअर्स अब हम जा रहे हैं कोटली की सबसे मशहूर स्पॉट पे जिसको कहते हैं शारदा व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरा कोटली और दूर दूर के इलाके नज़र आते हैं और रिवर पुंच का बहुत खूबसूरत व्यू होता है। तो व्यूअर्स जब भी कोटली आए तो वहाँ का जो सबसे बेहतरीन स्पॉट है वो शारदा व्यू पॉइंट ही है, तो उसका ज़रूर विज़िट कीजिए। काफ़ी स्टीप्स शुरू हो गई हैं और काफ़ी हाइट की तरफ हम जा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स व्यू पॉइंट है तो वो काफ़ी हाइट पे ही होगा और वैसे भी ये जो इस तरह के पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें कुछ इलाके डाउन द स्लोप होते हैं और कुछ बहुत हाइट पे होते हैं। तो शारदा व्यू पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं और लगता है कि बहुत खूबसूरत जगह होगी ये। वेल व्यूअर्स, व्यू पॉइंट इज़ विजिबल नाउ, सामने हमें नज़र आ रहा है और बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए हैं और बिल्कुल एज पे है ये पहाड़ की और इसी वजह से इसको व्यू पॉइंट कहते हैं कि यहाँ से जो है वो पूरा इलाका जो है वो बहुत ज़बरदस्त उसका व्यू होता है क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ की एज पे है। तो और दूसरा 3D व्यू होता है यहाँ से क्योंकि यहाँ से दूसरी साइड भी नज़र आ रही है जो तत्ता पानी की तरफ रास्ता जा रहा है और पूंछ रिवर का भी बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है। तो आए देखते हैं व्यूअर्स। वेल व्यूअर्स, आई एम विटनेसिंग अमेजिंग व्यू एवरीवेयर, सच अ वंडरफुल प्लेस दिस इज। हाइट से तकरीबन पूरा शहर और शहर के गिर्द ये जो रिवर पुंज है, इनफैक्ट ये पूरा शहर रिवर पुंज के गिर्द है, वो सब नज़र आ रहा है। So yes,
इस वक्त हम खड़े हैं कोटली के व्यू पॉइंट पे। यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है और ये पूरा कोटली शहर नज़र आता है और दूसरी साइड पे भी दूर दूर की जगह नज़र आती है। तो इस जगह को व्यू पॉइंट कहा जाता है और बहुत खूबसूरत जगह है और शहर का बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो व्यूअर्स, आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं कोटली में। और